अम्बेडकर धारा 370 के खिलाफ थे, लगने के खिलाफ थे। अम्बेडकर 35A के खिलाफ थे। अम्बेडकर भारत में पड़ रहे सेकुलरिज्म शब्द के खिलाफ थे, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ला के जबरदस्ती डाल दिया था। अम्बेडकर हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे बट रहे भारत के खिलाफ थे, और वो ये चाहते थे, अब बम गिरने वाला है, अब वो ये चाहते थे कि अगर ये पार्टीशन हो तो भारत में एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए और पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहना चाहिए। दग गए क्या जल्दी होगी ना, क्योंकि तुम तो एक ऐसा एजेंडा लेके चले थे कि अम्बेडकर के नाम पे दलितों को बेवकूफ़ बना लेंगे और दलितों से कहेंगे कि भगवान की तरह उनको पूजो, और वो तो मुसलमानों के साथ थे, खिलाफ वो भी नहीं थे मुसलमानों के। अगर ये कहना कि हम सारे मुसलमानों को भेजना चाहते हैं और सारे हिंदुओं को बुलाना चाहते हैं क्योंकि बंटवारा धर्म के आधार पर हो रहा है, गलत क्या है? मांग उन्होंने थोड़ी की थी, सोचने वाली बात है। और जिसने मांग की थी वो 90% से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने वोटिंग की थी, एक्सेप्टेंस दी थी कि हम भारत के 90% से ज़्यादा मुसलमान ये सहमति देते हैं कि पाकिस्तान बन जाए। और जब बन गया तो वही लोग रुक गए और आज फिर से वही मांग उठ रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि अम्बेडकर के साथ रहने वाले जो लोग हैं, वो ब्लाइंडली जो फॉलो करते हैं अम्बेडकर को, उनको अम्बेडकर के बारे में नहीं पता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ किताबें आप गूगल करके अम्बेडकर ने जो जो किताबें लिखी हैं, सब नहीं तो कुछ किताबें एटलीस्ट उनको पढ़िए, उनके शब्द सुनिए। और ज़्यादातर लोगों ने सही गेस किया है कि अम्बेडकर ने यही कहा था जो भी मैंने पहले बोला। तो आंखें खोलने की ज़रूरत है, और कई चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी, और दो क्लिप भी दिखाऊंगा जो आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो ये जागने की ज़रूरत है, आंख खोलने की ज़रूरत है। मैं किसी को भड़का नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। लोग कहेंगे, लोग मुझे हिंदू मुस्लिम कर रहा है ये कहेंगे, और भाजपा ये संघीय ये है वो है, जिसको जो कहना कहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि ये कहे कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, अगर कोई लॉजिकल कमेंट या कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकता है जिसका मेरे पास जवाब ना हो तो मैं मानूंगा कि मैं गलत हूँ। कोई मुझे गलत साबित कर सकता है कि अम्बेडकर ने ऐसी बात नहीं कही तो मैं ये वीडियो डालने को तैयार हूँ, और ऐसे टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई। जहाँ जहाँ मैं गलत साबित होता जाऊँगा वो वीडियोज़ में हटाता जाऊँगा। तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ। वीडियो में एंड तक बने रहना, शेयर जरूर करना, और जो बातें मैंने कही मैं गलत लगूं तो क्रॉस चेक जरूर कर लेना, लेकिन किसी के हाथों बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं। कोई नया तो मैं चाहता हूं पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसको पता चल जाए। डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने खुद सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे उस बुक का पेज दिखाओ। मैं आपको इंटरनेट की लिंक दे सकता हूं, या तो आप खुद गूगल करके, वरना पता चला कहेंगे कि मैंने कोई मैनिपुलेटेड लिंक दी और जिससे कोई फेक किताब ना आ जाए आपके घर में, जो इसको भरोसा नहीं करना वो नहीं करेगा। खैर, तो वो गूगल कर सकता है और अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से वो बुक खरीद सकता है, जिस भाषा में चाहे खरीदे और ख़रीद के पढ़े। मुझे समझ में नहीं आता कि किसके बाप की ज़मीन है, जो हमारे फादर ऑफ नेशन है उनके भी बाप की नहीं है कि वो जब चाहें तब बंटवारा कर दें। खैर, मांग उठी भी थी तो आज की डेट में मांग उठ रही है। कई लीडर से मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, जो भड़काऊ भाषण वाली वीडियो थी उसमें है एक। खैर, मांग उठ रही तो क्या हम दे देंगे? क्या दे देंगे? कोई जो मांग उठाएगा उसके मुंह पे कंटाप जरूर दे देंगे, लेकिन एक नया टुकड़ा नहीं देंगे। खैर, ये चीज़ वो लोग हर बार दिखाते हैं, जहां उनकी आबादी बढ़ती है वहां एक कम्युनल माहौल हो ही जाता है। कि कश्मीर देख लो, लोग सोचते हैं कि मैं फिर से हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं। भाई, इस बात का जवाब ही दे दो, कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा था? भाजपा नहीं आती तो कश्मीर में क्या हो रहा था लाखों की तादाद में? क्योंकि अब वहां पे जैसे ही मुसलमानों की आबादी बढ़ी, उन्होंने तुरंत नोटिस जारी किया, भगाया, जो हाथ आए उनको मारा, औरतें हाथ आए उनका रेप किया, नोटिस बोर्ड पे लगाया कि औरतें बच्चियों के बिना छोड़ के जाओ, ये हमारा है। लोग भागे, अपने ही देश के एक हिस्से से वो दूसरे हिस्से में गए, गरीबों की ज़िंदगी बिताई, आज तक बिता रहे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों हुआ? वो आबादी में बढ़ गया, उनकी डिमांड बढ़ गई। खैर, एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपने माध्यम से नहीं, किसी के मैं वीडियो का वो हिस्सा लगा दूंगा। अगर उनको आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, कानून के वो बहुत विशेषज्ञ हैं। खैर, तो और एक दो वीडियो और दिखाऊंगा, ये लंबा होने वाला, मैं चाहता हूँ पूरा देख लो, सारे भ्रम क्लियर कर लो, और जिस इल्यूजन में जी रहे हो वो जरा भ्रम तोड़ लो। और सबको ये बात समझ लेनी चाहिए, सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए आप चीज़ को इग्नोर कर दें कि मैं ही हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है, या कोई भी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे लोगों को सुनना ही नहीं चाहिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आप जिसको आज भाई कहते हैं वो आपको कलचारा बना लेगा। इसकी एग्जांपल मैं ही देने जा रहा हूँ, और कई लोग दे चुके हैं ऑलरेडी, और आप भी देख चुके हैं, लेकिन आप उस पर बात करना नहीं चाहते। खैर, पार्टीशन क्यों हुआ?
लोग कहते हैं मुसलमानों ने साथ मिलकर लड़ाई की, साथ मिलकर लड़ाई की, साथ मिलकर लड़ाई की, हम तो भाई हैं, एक ही थाली में खाते थे। तो उस वक्त ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि मांग तो उठ गई तुरंत आजादी के एक साल के अंदर अंदर, उठ गई, तुरंत उठ गई। तो और चलो उठी, एक छोटा सा ग्रुप उठाया होगा, मान लो अगर, मतलब मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो आवाज़ तो सन 1800 समथिंग से उठ रही थी, मुस्लिम लीग ने उठाई और तमाम वो सब अलग चीज़ है। अगर चलो फॉर द इंस्टेंस टाइम बींग अगर आपके लिए बहुत आसान बना दिया जाए, तो आवाज़ अगर एक पार्टी ने, मान लो अगर भाजपा कह दे कि हिंदू राष्ट्र बना दो, तो भाजपा कह रही है ना, तो अगर जब तक 90% जो हिंदू हैं यहाँ पे अगर वो वोट नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा कुछ। ठीक उसी तरीके से उस वक्त के सारे मुसलमानों ने, मैक्सिमम मुसलमानों ने वोट किया, पाकिस्तान बन गया। उन्होंने क्या किया वहाँ पे, वहाँ पे वही इस्लामिक माइंडसेट है, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। आपको बता दूं कि मतलब प्योरली अगर कोई कंट्री इस्लामिक होती है तो क्या करती है नॉन मुस्लिम्स के साथ, वहाँ पे शरिया लागू होगी ही होगी, जाहिर सी बात है। वहाँ पे कई ऐसे संविधान बने हैं जो प्रिसाइजली एंटी हिंदू हैं। वहाँ पे जो हिंदू था या नॉन मुस्लिम कह लें, वो जिस आबादी में था उससे घट के कहाँ से कहाँ चला गया, ये मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो मेरे मुँह से सुनी हुई अगर बात आपको कम्युनल लगे तो इसलिए मैं डाटा नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं एक भी डाटा, एक भी रिपोर्ट कुछ नहीं ऐसा दिखाना चाहता हूँ। सीधा अगर एक दो वीडियोस की क्लिप सुनाऊंगा तो वो अलग बात है, लेकिन कोई नंबर्स नहीं दिखाऊंगा, कोई फोटो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप सीधा गूगल करिए कि क्या हुआ कश्मीर में, क्या हुआ पाकिस्तान में, कहाँ से कहाँ तक लोग आ गए, क्या क्या हो गया, वो आपके ऊपर है। और अब इंडिया के बारे, क्यों नहीं शाहीन बाग में किसी ने नोटिस किया कि शाहीन बाग जैसा धरना, दंगा, प्रोटेस्ट हर उस जगह पे ही क्यों हो रहा है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर है या ज़्यादा है। पहली चीज, क्यों शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शाहीन बाग में हुआ, समझिए, क्यों शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शाहीन बाग में हुआ, ना कि वो जगह जहां पे अलॉटेड है जंतर मंतर और तमाम पार्क, जो वहां पे हो सकता था बड़ी बड़ी पार्टियां धरना देती हैं, वहां क्यों नहीं हुआ। क्योंकि शाहीन बाग के पास किसी संगठन का ऑफिस है, वहां पे आबादी मुसलमानों की ज्यादा है, ना ना करके भी भीड़, पंचर बनाने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले आराम से जुट सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि पैसा देके बुलाया गया है बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि एक मुसलमान महिला ने तो के वो कर दिया, कंप्लेन कर दी, और वीडियोस की वायरल हो रही थी कि मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा था, तो औरतों को आगे कर करके फ़ायदा उठाया जा रहा है। मतलब कई ऐसी चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। और बंगाल का केस, बंगाल में आए दिन छोटे छोटे मंदिरों के तोड़ने की वीडियो मैं रोज फेसबुक पे देखता हूँ, मैं सर चकरा जाता है। फिर मैं सोचता हूँ अगर एक मस्जिद पर सिर्फ झंडा लहराने गया था वो, मतलब क्या करने गया था मुझे नहीं पता, लहराया नहीं लहराया मुझे नहीं पता, और भारत का झंडा, और उस पे लोग पूरा त्राहिमाम हाहाकार मच गया, हम सुरक्षित नहीं। अरे भाई सुरक्षित नहीं हो तो मैं चाहता हूँ कि एक कंप्लेन करो, एक यूएन में या पाकिस्तान को एक लेटर भेजो, एक ऐसी अर्जी डालो कि पाकिस्तान अपने यहाँ CAA लाए, ठीक, और उसमें एक ऐसा संशोधन करे कि वहाँ के रहने वाले सारे नॉन मुस्लिमों को उठा के बाहर भेज दे, जिसमें वो भारत का समर्थन मांग ले कि भैया आओ नॉन मुस्लिम्स को उठाओ और अपने यहाँ ले जाओ, क्योंकि बहुत वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते हो, तो ले जाओ, ठीक। और वो कहे कि जितने मुसलमान हैं तुम्हारे यहाँ, जितने दुखी, प्रताड़ित, लाचार, लिंच्ड, तंग आ चुके हैं हिंदुओं से, जितने आना चाहें मर्जी से, मैं नहीं कहता भारत में मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन नहीं, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा बहुत, लेकिन जो अच्छे वाले हैं ना उस चीज़ वीडियो को बुरा समझेंगे भी नहीं, लेकिन जो उस माइंडसेट है उनको थोड़ा आग लगेगी। खैर तो वो कह दे कि भेज दो और इसमें हम तुम्हारा साथ दे देंगे, हम उनको लेने आ जाएंगे बॉर्डर पर, और ये काम हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी काम हो जाए, जितनी जल्दी यहाँ से वो तत्व चले जाएँ जो पाकिस्तान और ISI के कंट्रोल में रह के भारत पे जख्म देने की तैयारी कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने कल देखी और वो वीडियो की क्लिप मैं पूरी पूरी आपको सुनाऊंगा, ये वीडियो चाहे जितनी ज़्यादा लंबी हो जाए, और मैं चाहता हूँ अगर यहाँ तक तो कोई पहुँच गया है तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लेना और शॉक्ड हो जाओगे, मैं हो गया था समझ के इस चीज़ को सुन के। बहनों भाइयों,
मैं एक लंबे समय से कहता चला आ रहा हूं कि जिन्ना ने जिस समय पाकिस्तान लिया उसके मस्तिष्क में सिर्फ एक बात थी कि किसी तरह से मुझे भूमि का एक टुकड़ा बन जाए जिससे मैं हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बना लूं। चरितार्थ होता बार बार दिखता है, और उस पॉलिसी के तहत ही उसने कुछ उस समय नेहरू लियाकत समझौते के तहत मुसलमान हिंदुस्तान में रोके। अभी जो इस समय हिंदुस्तान में CAA को लेकर जो झगड़े चल रहे हैं, उस बात का सीधा कनेक्शन जब पाकिस्तान से निकलता है तो समझ में आता है कि जिन्ना की पॉलिसी ही पूर्ण रूप से पूर्ण की जा रही है। कैसे? अभी 2016 में पाकिस्तान की सीनेट, सीनेट आप लोग शायद ना समझते हो, जो अपर हाउस है, जैसा हमारा राज्यसभा है वैसा ही पाकिस्तान में सीनेट बोला जाता है। उनमें चारों प्रांतों से 14-14 सदस्य आते हैं, नेफा से एक सदस्य आते, दो सदस्य आते हैं, और दो सदस्य उनके यहाँ इस्लामाबाद से आते हैं। उनका काम होता है कि वो देश की पॉलिसीज को लेकर पॉलिसी बनाए, पॉलिसी मेकिंग बनाए। इसलिए सीनेट ने 1973 से अपने यहाँ कुछ सीनेट कमेटियां बनाई। सीनेट कमेटी के तहत 2016 की 7 अक्टूबर 2016 को उनकी सीनेट कमेटी की एक रिपोर्ट आई। सीनेट कमेटी की, उसको सीनेट कमेटी कहते हैं, सीनेट कमेटी फॉर द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 7 अक्टूबर को उनकी जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट कह रही है कि हम पूरे हिंदुस्तान का दिमाग डाइवर्ट कर देंगे। और उस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि हिंदुस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए, हिंदुस्तान से इस समय की टेंशन्स को मिटाने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट्स होंगे। उसके शब्दावली को जाइए आप, उसमें बार बार पाएंगे कि वो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम राइट्स की बात कर रहे हैं। और राइट्स तो अभी हो रहे हैं 2020 में, लेकिन ये 7 अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट और 2016 की रिपोर्ट है। PFI का कनेक्शन हम बार बार देख रहे हैं। अब इस समय सरकार जो ढूंढ रही है कि उसमें कनेक्शन क्या है, फंडिंग कहां से हो रही है, और फंडिंग के किस्से भी सामने चले आ रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने जो तथाकथित, मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़े से मुसलमानों की, उन मुसलमानों की बात कर रहा हूं, उन हिंदुओं की भी बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के उन निवासियों की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में गतिविधियां चला रहे हैं। 2016 में हमको याद होगा कि पाकिस्तान के उस हिस्से पर POK को लेकर इमरान खान पूरे संसार में जा जाकर बोल रहे हैं। 370 हटाया तब और वो बौखला गए, और उनको लग रहा था कि किसी तरह ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला कर दे या हिंदुस्तान की पॉलिसीज की वजह से हमको कुछ नुकसान हो जाए। उसको डाइवर्ट करने के लिए कि हिंदुस्तान हमारे खिलाफ एक्शन ले, उसको डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में दंगे हो, ऐसी पॉलिसी 2016 में उन्होंने बनाई। वो जिन्ना की जो पॉलिसी 1947 की थी, उस पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए, उसको कैरी ऑन करते हुए उन्होंने 2016 में पॉलिसी बनाकर ये शुरू किया कि हिंदुस्तान में कैसे राइट्स करवाए जाएं, उन राइट्स के लिए फंडिंग, उन राइट्स के लिए व्यक्तियों को चुनना, और सारे कार्यक्रम उन्होंने चलाए। हिंदुस्तान, हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के लोगों ने, भारत के इन दंगाइयों ने पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के दिमाग को डाइवर्ट, हिंदुस्तान की पॉलिसीज को डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में दंगे किए, और इन दंगों का परिणाम ये निकला कि हिंदुस्तान पूर्ण रूप से पाकिस्तान की तरफ से उसका मन हट गया। हट गया से मतलब वो डाइवर्ट हो गया, जो जो कॉन्सेंट्रेट हमको पाकिस्तान के खिलाफ करना था वो कॉन्सेंट्रेशन हमको हिंदुस्तान में दंगों में हो गया। स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि इमरान खान लगातार प्रयास कर रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह से मैनेज कर लें, वो वर्ल्ड समुदाय को मैनेज कर लें, लेकिन संसार के किसी भी कंट्री को वो मैनेज करने में असफल रहे। नतीजा निकला कि जिस समय US प्रेसिडेंट माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी भारत में आए, उसी समय पाकिस्तान ने तय किया कि हिंदुस्तान में डिस्टरबेंस करके डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करवाया जाए। अगर वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरे को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो क्यों ना हिंदुस्तान में दंगे करवा दिए जाए। और वही हुआ। भूमिका भारत के पॉलिटिशियंस ने, अपोजिशन के पॉलिटिशियंस ने, पाकिस्तान के शह पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, जिन्ना की पॉलिसीज को बरकरार कंटिन्यू करने के लिए हिंदुस्तान में दंगे किए, और वो वही तिथि फिक्स की जिस तिथि को डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए। आप सोच सकते हैं कि भारत में बैठे कुछ लोग भारत सरकार का जो पाकिस्तान
पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी है अलग थलग करने की, पाकिस्तान को समाप्त करने की, पाकिस्तान के टेररिज्म को खत्म करने की, उस पॉलिसी को डाइवर्ट करने के लिए, हिंदुस्तान की सरकार का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में दंगे किए गए हैं। मैं कह रहा था कि ये गजवाए हिंद की पॉलिसी उन्होंने 1947 में बनाई थी कि हम हिंदुस्तान में गजवाए हिंद लाएंगे, दारुल इस्लाम बनाएंगे हिंदुस्तान को, वो पॉलिसी आज 2020 में वो जो लेकर आए वो जल्दबाजी में कर गए, क्योंकि इस समय उनके पास दो में से एक विकल्प था, या तो पाकिस्तान को आज बचा लिया जाए और या फिर 10 साल वेट करके हिंदुस्तान में गजवाए हिंद किया जाए और दारुल इस्लाम बनाया जाए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 2040 में हिंदुस्तान में डेमोग्राफी पूर्ण रूप से बदलने वाली है और 2060 में डेमोग्राफी बदलने की सिचुएशन नहीं रहेगी। 2060 में आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे, हिंदुस्तान में सरकार भी पाकिस्तान से रिमोट से चलने वाली सरकार बनने वाली है। तो फिर 2060 तक वेट क्यों नहीं किया, क्यों 2020 में ही दंगे हो गए? उसका कारण यह है कि पाकिस्तान जब फंस गया तो 2060 तक पाकिस्तान कैरी ऑन रहे, उसको बचाने के लिए 2020 में ही 2060 के दंगे शिफ्ट कर दिए गए। और 2060 के दंगे जब 2020 में हो गए तो जो वो करना चाहते थे कि पाकिस्तान अगर 2060 तक सरवाइव करेगा तब तो यहां पर गजवाए हिंद आएगा, तब तो यहां दारुल इस्लाम चलेगा, लेकिन 2060 तक पाकिस्तान सरवाइव करने की अगर स्थिति में नहीं है तो हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की पॉलिसी फेल हो जाएगी, क्योंकि कायदे आजम जिनको वो कहते हैं जिन्ना की जो पॉलिसी थी, जिन्ना का बनाया हुआ देश समाप्त हो जाएगा तो फिर कैसे दारुल इस्लाम बनेगा। इसलिए हिंदुस्तान के जो दंगे हैं 2020 में इसलिए किए गए कि किसी तरह से संसार का दिमाग पाकिस्तान से डाइवर्ट करके हिंदुस्तान में शिफ्ट किया जाए, और उसको पूरी फंडिंग पाकिस्तान से हुई, और आज विश्व समुदाय के सामने पाकिस्तान सपोर्टेड लोग संसार के विभिन्न दूतावासों में ये दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान मारा जा रहा है, हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम जेनोसिटी हो रही है, जबकि हकीकत कुछ दूसरी है। दंगों में कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं था। पहले दिन तो मुस्लिम कम्युनिटी ने ही दंगे किए थे, दूसरे दिन भी मुस्लिम कम्युनिटी ने दंगे किए थे, लेकिन इल्जाम सारे वहां शिफ्ट करके विश्व समुदाय का मस्तिष्क घुमाने की कोशिश चल रही है, और उसका मूल कारण है कि 2020 में पाकिस्तान पर जो हिंदुस्तान की सरकार कर सकती है या जो उसने प्लान बनाया है उस प्लान को कैसे विफल किया जाए। हमारा सौभाग्य है कि भारत सरकार ने जो स्टेपिंग पाकिस्तान के खिलाफ ली थी उसकी वजह से हिंदुस्तान में प्री मेच्योर गजवाए हिंद हो गया या गजवाए हिंद कर दिया गया या हिंदुस्तान में दंगे फैला दिए गए, जो 2060 में अगर होता तो हिंदुस्तान अपने आप को बचाने की स्थिति में नहीं होता, 2050 में होता तो हिंदुस्तान अपने आप को बचाने की स्थिति में नहीं होता, 2040 में होता तो हिंदुस्तान अपने आप को बचाने की स्थिति में नहीं होता। और यही कारण है क्योंकि डेमोग्राफी के हिसाब से 2040 में 50% आबादी होने वाली है, इसलिए उन्होंने एक सीधी पॉलिसी बनाई कि हम एनपीआर पर आएंगे ही नहीं, हम जनगणना में भाग ही नहीं लेंगे, हम अगर जनगणना में भाग लेंगे तो भारत की आंखें खुल जाएंगी और उन आंखों में ये दिख जाएगा कि डेमोग्राफी कितनी तेजी से हिंदुस्तान में चेंज हो चुकी है, कितनी तेजी से भारत का परिवर्तन हो चुका है। भारत के 40% से ज्यादा या उससे कम जगहों पर आबादी 30% क्रॉस कर चुकी है, जो पाकिस्तान सपोर्टेड या पाकिस्तान से बरगलाए जाने पर किसी भी हद तक जा सकती है। उनको ये नहीं मालूम कि वो पाकिस्तान से बरगलाए जा रहे हैं, लेकिन उनके कुछ लीडरान पाकिस्तान के कहने पर पाकिस्तान सपोर्ट की वजह से यहां पर कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े लिबरल लीडर भी हो सकते हैं, लिबरल लीडर जैसे जावेद अख्तर साहब जिनको कहा जाता था नहीं ये लिबरल मुसलमान हैं, वो अगेंस्ट में खड़े आए। ऐसा एक एक व्यक्ति जो शांतिपूर्वक हिंदुस्तान में गजवाए हिंद के लिए काम कर रहा था, दारुल इस्लाम बनाने के लिए काम कर रहा था, स्लो मोशन में हिंदुस्तान को पॉइजन दे रहा था, ऐसा एक एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से गाइड हो रहा था, ऐसे एक एक व्यक्ति ने 2060, 2040, 2050 का इंतजार करना था, वो 2050 का इंतजार नहीं कर पाया। उसका कारण था कि वो पाकिस्तान जीवित रखना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान जीवित रहेगा तो हिंदुस्तान में किसी भी तरह से दारुल इस्लाम आएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान जीवित नहीं रहेगा तो कैसे हिंदुस्तान में दारुल इस्लाम की पॉलिसी पूर्ण होगी।
इसलिए आज पाकिस्तान समाप्त हो रहा है और पाकिस्तान को बचाने के लिए, संसार का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में प्रीमेच्योर आंदोलन हो गए, घटनाएं हो गई, बिना किसी कारण के घटनाएं हो गई। ये CAA का विरोध NRC पर, NPR पर और उसके बाद जो आने वाला भारत सरकार जो उस पर स्टेप लेने वाली थी बार बार हिंदुस्तान को सही रास्ते पर लाने के लिए, दो चीजें सामने खड़ी हो गई कि एक तो स्टेप बाय स्टेप भारत सरकार ने पीछे वाले जो प्लान बनाकर रखे थे उनको काटना शुरू कर दिया, उनके रास्ते खत्म करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ उन प्लान को सपोर्ट, उन प्लान को परिपूर्ण करने के लिए जहां से फंडिंग होती है, जहां से पॉलिसीज बनती हैं, जहां से आतंकवादी भेजे जाते हैं, जहां से सब कुछ गवर्न होता है, उनको भी धीरे धीरे वर्ल्ड में अलग थलग कर दिया। अब जब दोनों ही खत्म हो जाएंगे तो कैसे भारत को दारुल इस्लाम बनाएंगे? ऐसा भारत के कुछ परसेंट लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक रचकर ये घटना को अंजाम दिया। आज आवश्यकता भारत सरकार को है कि इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान की सीनेट कमेटी की रिपोर्ट जो 7 अक्टूबर 2019 को आई, उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, उनकी कनेक्टिविटी ध्यान में रखते हुए एक्शन लेना पड़ेगा। और आज आवश्यकता है कि भारत सरकार हार्ड डिसीजंस ले। अगर भारत सरकार आज हार्ड डिसीजन नहीं लेती है तो यह संभव है कि हम हिंदुस्तान ना बचा पाए। मैं भारत की सरकार से आह्वान करता हूं, मैं देश से आह्वान करता हूं, मैं देश के एक एक नागरिक से आह्वान करता हूं, मैं हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान जो देशभक्त है, जो देश को अपना देश मानता है, उससे आह्वान करता हूं कि वो पाकिस्तान की इन चालों में ना आए और इन चालों को पहचाने, और पहचानने के बाद देश के, देश को आगे प्रोग्रेस पर ले जाने के लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये उसको आज तय करना पड़ेगा। अगर उसने और 10-15-20 साल इंतजार किया तो तय करने की स्थिति में नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जहाँ तक जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करो, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत की डेमोग्राफी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। अगर भाजपा नहीं आती, अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेती, और वो आगे अगर स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में गजवाए हिंद थोड़ा दूर है। और आखिर क्या कारण है कि दुनिया का कोई भी देश, स्पेसिफिकली जो डेमोक्रेटिक देश हैं और 57 इस्लामिक कंट्रीज के अलावा जो दूसरे देश हैं, और एक वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, उसके बोलने के तरीके से लग रहा था कि बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम किसी भी मुसलमान रेफ्यूजी को तो नहीं रख सकते, और यही कारण है कि हमारे यहाँ दंगे नहीं हो रहे, बम नहीं फूट रहे। आप वो वीडियो सुन लीजिए, मेरी बात पर यकीन ना हो तो। How many refugees has Poland taken? Zero. And you're proud of that? If you are asking me, if you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. But I asked this not about illegal failed. Immigrants. I asked about refugees. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees. Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. But this is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland. And we can be called populists, nationalists, racists, I don't care. I care about my family and about my country. तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरी वीडियो को, जितनी भी लंबी वीडियो है, 10 मिनट 20 मिनट, मैं चाहता हूँ उसको पूरा देखा। अगर आपने, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, मैसेज पहुँच गया मेरा कि हाँ, अम्बेडकर को बिल्कुल फॉलो करो, अम्बेडकर ने जो कहा एग्जैक्टली फॉलो कर लो मेरे भाई, एग्जैक्टली फॉलो कर लो। अम्बेडकर कई मुद्दों पर नेहरू और गांधी के भी खिलाफ थे, लेकिन चीज़ें हुई, दबाव में करना पड़ा, क्योंकि जनता डिवाइड हो चुकी थी। गांधी ने अपने, खैर उनको कहना नहीं चाहिए कि किस रोने धोने में, किस इमोशनल ब्लैकमेल में, तमाम ब्लैकमेलिंग हुई, और अंबेडकर और बोस को कई जगह झुकना पड़ा, ये बात सबको पता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, और तमाम ऐसी चीज़ें हुई। वरना आज की डेट में ना पाकिस्तान अलग होता हमसे, ना बांग्लादेश अलग होता, ना कश्मीर, ना जो POK है वो बना हुआ होता। कई चीज़ें, आज भारत की स्थिति कुछ और होती अगर नेहरू और गांधी ना होते तो। क्योंकि मेरा मानना है कि आज़ादी नेहरू गांधी से नहीं मिली है, आज़ादी बोस, भगत सिंह, अंबेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, और सिर्फ
आज़ादी का टैग गांधी पे मर दिया जाता है। तो मेरे लिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा ओपिनियन था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए मैंने बोला है, लिमिट में ही बोला है, कई लोगों की तरह गाली देना नहीं शुरू कर दिया। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे लिए नहीं तो वो जो क्लिप दो मैंने डाली अगर उससे ही एग्री करते हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना। अगर आपको कोई डिफरेंट परसेप्शन हो किसी बात के लिए तो उसको भी कमेंट में बता सकते हैं, अगर आप सहमति रखते हैं तो भी कमेंट बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग सहमत हैं। और इन लोगों के चक्कर में मत आओ कि दलित, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब करें, क्योंकि दलितों को इमोशनली मोटिवेट करके, ब्लैकमेल करके उनको कन्वर्ट कर रहे हैं वो लोग, धीरे धीरे उनको एज अ वोट बैंक यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्जन अभी भी चल रहे हैं। और कोई भी कन्वर्जन विलिंगली नहीं होता जब तक सर पे तलवार या फिर कोई लालच ना हो, तो इस चीज़ को रोको। सब एक हैं, एक होने की ज़रूरत है। अगर आज यूनिटी नहीं दिखाई, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू हिंदू यूनाइट हो जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप रिलीजियस बेसिस पे यूनिटी दिखाओ, हर वो आदमी जो लॉजिकल थॉट के साथ भारत का भला चाहता है, मिलके रहना चाहता है, बातों के लिए नहीं, बातों के लिए नहीं कि जहाँ किसी ने किसी गलत चीज़ को पॉइंट कर दिया तो कह दिया कि तुम तो हिंदू मुस्लिम करते हो, मैं तुमसे बात नहीं करता, या तुम्हारी विचारधारा के अगेंस्ट हो, नहीं। हर वो ह्यूमन बीइंग, हर वो भारत का नागरिक जो कहता है कि मुझे भारत की तरक्की देखनी है, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भारत को टूटने से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।